नमस्कार भाइयों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आप देख रहे हो जॉन डियर का 5210 गियर प्रो, बिल्कुल नया ट्रैक्टर है। अभी डिलीवरी हुई है, आगे देख रहे होंगे आपको फूल भी इसके ऊपर जो है वो लग रहे हैं। और ये देखो किसान भाई ने इसके साथ क्या किया है, ये आप देखो इसके जो टायर है ना, टायर पलटे जा रहे हैं। ये देखो एक टायर तो पलट चुका और ये भी इस तरीके से ही पलटा जाएगा, यानी कि व्हील पलट के चौड़ा करा जाएगा। जानूंगा क्या कारण है जो नए ट्रैक्टर के ये टायर पलटवा रहे हैं, ऐसा भी क्या कारण बना, क्योंकि देखो गैप कितना आ जाता है टायर पलटने के बाद में, ये आप चेक करो कितना गैप आ जाता है। तो ये क्या कारण है टायर पलटवाने का वो जानता हूँ मैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो आप एक बार अपना परिचय करा दो। सर मैं सचिन तौर बुलमा सिंह प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। जी जी सर, इसका हम इसमें जो बुलिस्ट मशीन फिट कर रहे हैं जी, जो हमारे गन्ने के लिए लकड़ी के लिए काम आते हैं, सिंगल बूम लोडर बोलते हैं। जी जी जी, सिंगल बूम में हम टायर पलटी करने के बाद हम सिंगल बूम मशीन लगाते हैं, इसकी हाइट जो 24 फुट होती है सर। जी, तो इसलिए टायर पलटे जा रहे हैं ताकि इसके ऊपर लोडर फिटिंग किया जा सके। जी सर। तो ये जो ट्रैक्टर है इसकी डिलीवरी आज ही हुई है किसान का, ही है ना? जी सर। जी, तो थोड़ा सा और इसके बारे में बताइए, क्या कारण रहता है टायर पलटने का, क्या मेन मोटिव क्या रहता है? सर ये हमारी 24 फुट की मशीन होती है, बड़ी मशीन होती है। जी 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 जी, ये हमारी जो मशीन है आगे लेकर जी ये मरघाट करने के बाद यहाँ मशीन ऊपर फिट होती है। ऊपर फिट होती है जी सर। जी, ट्रैक्टर के ऊपर मशीन आती है सर जी, तो हमारी जो हाइट होती है 24 फुट होती है सर। जी 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 सर। तो कहने का मतलब है उसको बैलेंस करने के लिए टायर को गैप दिया जाता है सर। जी, तो इसके लिए थोड़ा सा आप ये भी बताइए किसान भाइयों को कि क्या रिकमेंड रहता है, मतलब कितने फीट के लिए कितने एचपी का ट्रैक्टर जो है सफिशिएंट रहता है? ये सिंगल रूम जो मशीन में हमारी 50 से 55 एचपी ट्रैक्टर अनिवार्य है सर। अनिवार्य है, इतना तो कम से कम चाहिए। हाँ जी सर, 50 से ऊपर ट्रैक्टर होगा जी। और ये हमारे 24 फुट की हाइट होती है इसमें सर। 24 फुट की हाइट लेती है जो लोड रहे। जी सर, इसमें गन्ने वाली मशीन लगती है सर जी, लकड़ी के लिए उठाती है, कपास के लिए उठाती है सर जी, इसके लिए काम आती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने मतलब उठाने वाले काम है वो सारे कर लेती है जी वो। सर, जी सर। तो उसका अगले वाला वो चेंज हो जाता होगा मेरे ख्याल से, बकेट चेंज हो, बकेट चेंज हो जाता जी सर। जी जी, तो इसकी इसमें हमारे और छोटे लोडर भी आते हैं जी, 35 एचपी से 50 एचपी बीच में लोडर भी आते हैं। अच्छा, जिन जिन भाइयों के पास जैसे छोटे ट्रैक्टर हैं वो भी लगवा सकते हैं जी सर। एग्री सीरीज भी आती है, लोडर भी आते हैं, बैको भी आते हैं जी, सब मशीन आती है, सारा कुछ जो यंत्र है वो आते हैं जी सर। ठीक है जी, तो इसके लिए आप थोड़ा सा एक चीज़ और बताइए, क्या मतलब क्या कॉस्टिंग रहती है, अगर कोई किसान भाई हमारा दर्शक भाई अगर देख के आपको लगवाना चाहे आपसे तो क्या खर्च आता है, उसे अंदाजा दीजिए। इसकी जो लोडर की कीमत है हमारे सुअरगन लोडर की कीमत 5 लाख रुपये एक, जो इसके ऊपर फिटिंग होगा जी सर। और अगर एग्री सिटी में मशीन आती है 2.5 लाख से लेकर 5.5-6-7 लाख का मशीन है, 5.5-6 लाख तक जो है चली जाती है जी सर। उसके अंदर क्या चेंज होता है वो क्या सर? हमारे एग्री सिटी बोलते हैं, जो हमारी मट्टी है भरने के लिए, रोडी बदरपुर भरने के लिए छोटी ट्रॉली होती है जी जी, बोलते हैं एग्रीबुल जी। एग्रीबुल की कीमत 2.5 लाख रुपये सर जी। इसमें हमारे बैको लोडर भी हैं, डोजर भी हैं, टेलीस्कोपिक लोडर, सुअर कैन लोडर जी। किसान भाई को जैसी जरूरत चाहिए ऐसे यानी कि अपनी जो बुल की सीरीज है सारी कुछ सीरीज है, जैसा किसान भाई चाहे उस तरीके का जो लोडर वगैरह है वो लगवा सकता है जी सर। जी सर। अच्छा, जैसे किसी के पास छोटा ट्रैक्टर है 35 से 40 एचपी का ट्रैक्टर है तो उसके लिए कौन सा लोडर सफिशियंट रहता है? इसमें एग्री सीरीज आती है, एग्री बैको लोडर जी सर। बैको भी आता है सर, इसमें मछली खोदने का काम जो आता है जी। जी जी सर, तो वो फिटिंग कर सकते हैं उनके ऊपर जी सर। अच्छा, उसके ऊपर कोई फ्रंट वाला लोडर फिटिंग नहीं होता? फ्रंट वाला भी होता है सर, बैको लोडर होता है सर। बैको लोडर होता है, दोनों होता है, मट्टी उठाने के लिए, मट्टी खोदने के लिए 35 से 50 एचपी जी। तो इसके लिए इसके अंदर एक चीज और बताइए, अगर कोई किसान भाई जैसे कि मान लीजिए उसका 6 महीने का काम है और 6 महीने ट्रैक्टर फ्री रहना है तो क्या इसको हम हटा भी सकते हैं? सर इसमें हमारे हटाने के लिए 4 पिन होती है, 2 आगे 2 पीछे जी। 4 पिन निकालो, मशीन अलग। अच्छा, बाकी कोई खड़पच नहीं है कि नट बोल्ट खोलने पड़ रहे हैं या ट्रैक्टर की कोई फिटिंग? 15 मिनट में मशीन लग जाती है, 15 मिनट में मशीन हट जाती है। अच्छा, किसान घर पे कर सकता है और किसान भाई अपने घर पे कर सकते हैं जी। जी जी, और कुछ आप हमारे दर्शक भाइयों को कुछ बताना चाहते हो? सर सबसे नंबर एक बात तो यह है कि तेल खपत कम है, इसका कोई सर टैक्स नहीं है जी इस मशीन के ऊपर। हाँ जी, इस मशीन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जी, और किसान भाइयों के ये तेल खपत कम है जी। जी, अच्छा अगर आपसे कोई लगवाना चाहे तो उसको कोई कॉन्टैक्ट नंबर या अपनी डिटेल्स साझा कर दीजिए ताकि आपसे कोई लगवा पाए। प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब पे, फेसबुक, गूगल पर डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जी। जी, वहाँ से आपसे जो कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है जी सर। जी जी, तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो हमारे लिए और आप लोगों के लिए अपना कीमती समय निकाला। तो ये भाइयों मैंने जानकारी आपको छोटी सी आपके साथ शेयर की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि टायर इसके चौड़े क्यों किए गए हैं नया ट्रैक्टर जैसे कि आपको बताया, और सर बैक सॉरी बुल कंपनी की तरफ से हैं जो कि इसके ऊपर लोडर फिटिंग ये करवाएंगे। तो ये टायर तो चौड़ा हो चुका है, ये भी पलटा जाएगा ऐसे ही, उसके बाद में इसके ऊपर यहाँ से जो फिटिंग है इसकी, यहाँ पर आप देख लो यहाँ पर लोडर की फिटिंग दी जाएगी। तो जितने कुछ सवाल जवाब थे
कीमत वीमत वगैरह या किस तरीके से फिटिंग होता है, वो सारी चीज़ें मैंने सर से जानने की कोशिश की। उम्मीद करूँगा आपको छोटी सी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है ना दोस्तों, तो लाइक वाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर आप ऐसे ही नई नई वीडियोज़ देखना चाहते हो। और ये जो ट्रैक्टर है भाई, 50 HP का ट्रैक्टर है जॉन डियर का 5210 गियर प्रो। इसका अगर डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हो ना भाई, तो उसकी भी काफ़ी सारी वीडियोस अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी, कृषि मीडिया एंटेक, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वहां से आप जो है इसका रिव्यू भी चेक कर सकते हो। बाकी भाइयों फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही किसी नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।